हेलो फ्रेंड्स, मैं पहले वीडियो में बताया कि एसी फंक्शन क्या होता है, डीसी फंक्शन क्या होता है और क्वांटिटी क्या होता है और बीप क्या होता है। इस वीडियो में बताऊंगा कैसे वोल्टेज चेक किया जाता है, एसी में कैसे चेक किया जाता है और डीसी में कैसे चेक किया जाता है और क्वांटिटी कैसे देखा जाता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। चलिए चेक करते हैं मीटर कैसे यूज़ किया जाता है। ये मीटर पहले चेक करते हैं एसी 250। ये मैंने लगाया मेन लाइन में वोल्टेज कितना है, ये 200 1 2 3, यानी 230 वोल्ट इसमें है, अभी इसमें मौजूद है। अभी इसी प्रकार मैं लगाता हूँ डीसी में। ये 250 का डीसी है, इसमें कंडेंसर में चेक करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा है, यानी 250 पास कर चुका है। ये कितना होना चाहिए ये वोल्टेज, तो आप इसे 1000 में लगा के चेक कर सकते हैं, यानी ये 260 वोल्ट है। ये 50 पार कर 10 हो गया 260 वोल्ट, ये आप देख सकते हैं 260 वोल्ट है। इसी प्रकार आप इसमें देख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आप देख सकते हैं ये 100 पे आ चुका है। ये 250 में लगा हुआ, 250 वाला ये काम करता है, ये 100 से ये 1 पॉइंट कम है, यानी 199 वोल्ट है ये। इसी प्रकार आप 50 में चेक कीजिए, ये 50 में आप ये देख सकते हैं, ये 50 में, ये 52 नंबर पॉइंट में, ये 50 में, ये 50 वाला 2 नंबर पॉइंट में काम करता है, यानी ये 21 बोल है ये। आप देख सकते हैं ये 21 बोल है, 20 पे है। इसी प्रकार आप इसका नेक्स्ट भी देख सकते हैं, ये आपका 12 बोल है, 10 बार करके ये 12 वोल्ट में है। तो इसी प्रकार आप वोल्टेज को चेक कर सकते हैं इस वीडियो के द्वारा।